फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस एक हार्मोनल डिजीज है जो बहुत कॉमन है मॉडर्न वुमेन में, स्पेशली जो यंग लेडीज है, लाइक 18-19 इयर्स की जो गर्ल्स है उनको भी पीसीओएस की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है। मोस्टली क्या होता है, जब हम प्रेगनेंसी को ट्राई कर रहे हैं तब हमको पता चलता है कि वी हैव पीसीओएस प्रॉब्लम, बट दीज डेज इट इज सो कॉमन विद इरेगुलर पीरियड्स कि वी गेट टू नो कि हमको पीसीओएस है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पीसीओएस। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज इफ यू हैव पीसीओएस यू नो मोर अबाउट इट। बेसिकली अगर रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहा है या फिर प्रॉपर पीरियड्स नहीं हो रहा है, वन डे हो रहा है, सेकंड डे आपको पीरियड्स नहीं हो रहा है या फिर लेट हो रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, अगर आपको प्रॉपर पीरियड साइकिल नहीं हो रहा है, सो यू आर लाइकली टू बी डायग्नोस एज पीसीओएस। सो मेक श्योर अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो अपने आपको आप चेक जरूर कराएं, क्योंकि पीरियड्स एक बहुत ही मेजर इश्यू है। इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड प्रॉपर जो साइकिल में उसी में होता रहे, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। नाउ क्या करेक्ट करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा पीसीओएस ठीक हो सके। पीसीओएस की वजह से मोस्टली आपके इंसुलिन स्पाइक्स बहुत ज्यादा होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, सो वी नीड टू करेक्ट इट विथ योर हेल्दी डाइट। अगर आपको पीसीओएस डायग्नोस हुआ है तो मोस्टली लाइकली आपके डॉक्टर ने आपको जरूर सजेस्ट किया होगा कि आप एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें विथ रेगुलर एक्सरसाइज। पीसीओएस ठीक किया जा सकता है विथ अ वेरी हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिम। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीसीओएस ठीक हो जाए, आपको रेगुलर पीरियड्स आने लगे, जो आप ओवरवेट या ओबीज हो चुके हो बिकॉज ऑफ योर पीसीओएस इश्यू, अगर आप चाहते हो कि वो करेक्ट हो, तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है आपकी लाइफस्टाइल चेंज में, विच इज ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग डेली विदाउट फेल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डीटॉक्स। मैंने डीटॉक्स जूसेस, डीटॉक्स ड्रिंक, इन्फ्यूज्ड वाटर एंड ग्रीन टी के बेनिफिट से रिलेटेड वीडियो शेयर करी है जिससे आप डीटॉक्स कर सकते हो। सबसे पहले आप डीटॉक्स से स्टार्ट करें जिससे आपकी बॉडी का डाइजेशन इम्प्रूव होगा एंड आपको एक ट्रैक मिलेगा वेट लॉस के लिए। सेकेंड, वेन वी आर स्टार्टिंग डाइट, सबसे पहली चीज जो आपको एलिमिनेट करनी है अपनी डाइट से वो है शुगर। से नो नो टू शुगर। शुगर आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है बिकॉज आपकी प्रॉब्लम ही इंसुलिन स्पाइक है एंड शुगर आपको सबसे ज्यादा स्पाइक देता है। सो अगर आप शुगर के बिना नहीं रह सकते हो या आप चाहते हो चाय में शुगर ऐड करो, तो आप थोड़ी सी चीनी चाय में ऐड कर सकते हो या फिर ऑप्ट फॉर स्टीविया जो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर का। नाउ सेकंड थिंग जो आपको एलिमिनेट करनी है अपनी डाइट से वो है पैकेज्ड फूड। पैकेज फूड को बिल्कुल ना कर दो, घर में लाना बंद कर दो पैकेज फूड, बिस्किट्स, भुजिया या कोई भी जो पैकेज फूड है वो बिल्कुल बंद कर दो आप लाना। आपको जो भी खाना है वो बनाकर खाना है या हेल्दी खाना है। थर्ड थिंग जो आपको एलिमिनेट करनी है अपनी डाइट से वो है जंक फूड। जंक फूड तो आपकी बॉडी में डेविल की तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको पीसीओएस है ना, आप स्टिल जंक खा रहे हो, तो ट्रस्ट मी पीसीओएस बहुत ही हायर लेवल तक जा सकता है। अगर आपको पीसीओएस है आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम में चला जाता है तो यू नीड टू गेट ऑपरेटेड। सो जस्ट अवॉइड जंक फूड। थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप यूज टू हो उसके, पर धीरे धीरे आप इसको अपनी डाइट से एलिमिनेट जरूर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डाइट प्लान। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको लेना है गुनगुने पानी में एक नींबू के साथ एक चम्मच शहद, जिससे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे एंड आपको बहुत लाइट फील होगा। ब्रेकफास्ट हमको प्रोटीन रिच करना है विद वन फ्रूट। कोई भी एक फ्रूट आप खा सकते हो। आप चेंज करते हुए फ्रूट्स को खाएं डेली, कुछ ना कुछ अलग खाएं, जैसे कि आप बोर नहीं हो फ्रूट से, जिसके साथ आपको लेना है कोई भी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट में आपके ऑप्शंस है उपमा, उत्तपम, अप्पे, इडली सांभर, डोसा अगर आप खाना चाहते हो तो बहुत ही कम तेल में बनाना है एंड आलू वाला मसाला आप नहीं खा सकते हो बिकॉज आलू आपको इग्नोर करना है। इसके अलावा आप खा सकते हो पराठा विद लेस ऑयल, जिसके साथ आप कर्ड ले सकते हो। पोहा में पीनट्स ऐड करके खा सकते हो। टू होल एग्स का ब्रेकफास्ट कर सकते हो जो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सो मिड मॉर्निंग स्नैक की आपको जरूरत नहीं है। पीसीओएस वाले पेशेंट को आई नॉट रिकमेंड कि आप फ्रीक्वेंटली खाओ, क्योंकि जब भी आप खाते हो आपके इंसुलिन को स्पाइक मिलती है। आप एक फुल मील खाओ एंड सिर्फ आपको 4 मील्स इन ए डे लेनी है, 6 मील्स नहीं लेनी है। सो ब्रेकफास्ट के बाद आप सीधे लंच करोगे। लंच में आप इंक्लूड करोगे प्रोटीन रिच लंच, जिसमें आपको लेना है या तो ब्राउन राइस, 2 से 3 होल व्हीट चपाती, जिसके साथ आप ले सकते हो दाल, सब्जी, सैलेड। उसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो थोड़ा सा पनीर या फिर फिश अगर आप खाते हो, लीन प्रोटीन में चिकन आप खा सकते हो या 2 एग्स। सो आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है अपने लंच में ज्यादा मात्रा। सो बिकॉज हम प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, सो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है।
अब बारी आती है इवनिंग स्नैक की, जो 5 to 6 के बीच में आप ले सकते हो, जिसमें अगेन आपको चाय के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आता है, उपमा खा सकते हो, बेसन का चीला खा सकते हो एक बनाकर, होल व्हीट टोस्ट खा सकते हो, होल व्हीट ब्रेड खा सकते हो, एनीथिंग जो होल व्हीट या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से बना हो, इट शुड नॉट बी रिफाइंड। रिफाइंड आपको कुछ भी नहीं खाना है पूरे दिन में। डिनर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कार्ब्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। ओट्स का उपमा बनाकर खा सकते हो, दलिया की खिचड़ी खा सकते हो, एक बिग बॉल ऑफ दाल खा लो विद सब्जी एंड सैलेड। ट्राई टू इग्नोर दैट रोटी या राइस, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कार्ब्स एक तरीके से आपके इंसुलिन को बहुत स्पाइक दे सकते हैं, और अगर आप कार्ब्स नहीं ले रहे हो तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। सोने से पहले आप ले सकते हो एक ग्लास दूध, जिसमें आपको थोड़ी सी हल्दी एंड सिनेमन ऐड करनी है। ये एक बहुत ही बेसिक डाइट प्लान है, जिसके साथ आई विल सजेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ताकि आपको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आए एंड आप अपना वेट लॉस आसानी से कर पाए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में क्या आपके लिए बेस्ट है? कार्डियो तो आपको डेली रूटीन में ऑफकोर्स करनी है, क्योंकि उसी से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी एंड उसी से आपके पीसीओएस के ठीक होने के चांसेस है। जिसके साथ अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको द बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। पीसीओएस पेशेंट्स, यू नीड टू डू वेट लिफ्टिंग अगर आप चाहते हो कि आपका पीसीओएस क्योर हो जाए, एंड दैट टू हेवी वेट्स के साथ। जितना ज्यादा आप वेट लिफ्टिंग करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी आपकी बॉडी। और कुछ नहीं तो 2 या 3 kg के डंबल्स आप ऑर्डर कर सकते हो एंड घर पे ही फ्री वेट्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। आई विल सून कम अप विद एक्सरसाइज वीडियोस लाइक इन अ वीक और टू, जिसमें मैं आपको शो करूंगी कि आप फ्री वेट्स के साथ घर में क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मेडिकेशन के साथ फॉलो करनी है। आप सिर्फ एक्सरसाइज एंड डाइट के साथ दवाई छोड़ दो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आपको एक अच्छा डाइट, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, ताकि आप अपने आप को फिट फील कर सको। वेट लॉस तो हमारा टारगेट है, बट हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ बिग टारगेट जो हमको अचीव करना है हमारी हेल्थ के लिए। हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे एंड उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि आप कैसे अपने पीसीओएस एंड पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, एंड आप जरूर फॉलो करोगे इस डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज रेजिमेन को। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। थैंक यू, बाय।